हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन, आज आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और इसमें जो अनडिस्कस टॉपिक है, फोर मिल्क क्या है और हाइंड मिल्क क्या है। क्योंकि मैं बहुत पेरेंट्स से बात करता रहता हूँ, इवन में जो कई नर्सिंग स्टाफ से बात करता हूँ, तो अभी भी उनको ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर कि फोर मिल्क क्या होता है, हाइंड मिल्क क्या है, इसका कंसेप्ट नहीं है। मदर्स को भी इसका कंसेप्ट नहीं कि भाई ये क्या होता है। मैं अक्सर पूछता हूँ कि आपने इसका नाम सुना है, तो बहुत से लोगों ने तो फोर मिल्क क्या होता है और हैंड मिल्क क्या है इसका नाम ही नहीं सुना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप में थोड़ी जानकारी पैदा करूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं जो देख रहा हूँ कि हम लोग की जो शहर की प्रैक्टिस है उसमें मैं इट इज़ सैड बट मैं कन्फेस करना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो मदर्स आती हैं हम लोग के पास, वो ज़्यादातर मिक्स फीडिंग पे बच्चों को रखती हैं। बच्चा बॉटल भी पी रहा होता है और मदर फीडिंग भी ले रहा होता है, और जिसका बहुत क्लियर कट नुकसान दोस्तों होता है कि 2-3 महीने बाद यही माएँ जब मेरे पास आती हैं तो मुझे बताती हैं कि अब मेरे बच्चे ने मेरा दूध पीना बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि मुझे दूध हो ही नहीं रहा है और अब मेरा बच्चा सिर्फ बॉटल फीड पी रहा है। तो एक तो मैं आप लोगों से दोस्तों फिर एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को, सारी माओं से मेरी रिक्वेस्ट है और सारे ग्रैंड पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बेटी को या अपनी बहू को कन्विंस करें कि वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कहा है कि घरों के जो बड़े हैं वो आमतौर पे मदर को कहते हैं कि नहीं, बॉटल पिला के रखो ताकि उसकी आदत बनी रहेगी, कम से कम रात में एक बॉटल दे दिया करो। घर की जो चाची ताई हैं वो अक्सर कन्फ्यूज़ करती हैं माओ को। मेरे पास कई मदर्स हैं ऐसी जो कि कन्विंस्ड होती कि मैं अपना फीड कराना चाहती हूँ एक्सक्लूसिव, बट घर के बुज़ुर्ग उनको परेशान करते हैं कि नहीं नहीं बच्चा बहुत रो रहा है, तुम इसको ऊपर से बॉटल का दूध लगा दो। तो मेरी आप लोगों से बहुत विनम्र जिसे कहिए कि विनती है कि घर के जो बड़े हैं वो मदर को इनक्रेज करें ब्रेस्ट फीड कराने में, क्योंकि ब्रेस्ट फीड से अच्छी भगवान ने कोई चीज़ दुनिया में नहीं बनाई है। मैं अगेन एम्फोसाइज़ कर रहा हूँ कि ये अमृत है, अमृत जिसको पी के आदमी को ज़िंदगी भर की ताकत मिलती है। और मैं अपनी जितने भी मेरे पास मदर्स आती हैं, यंग मदर्स, उनको मैं यही कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि आपके अंदर की जो भी ताकत है, जो भी आप अपनी विरासत अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करना चाहती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए कर सकती हैं। आप उनको हज़ारों रुपए की, लाखों रुपए की वैक्सीन लगा लीजिए, महंगी से महंगी आप उनको सप्लीमेंट्स दे दीजिए, अच्छी से अच्छी सुविधाएँ दे दीजिए, मगर जो ब्रेस्ट फिट से आप उसको बच्चे को जो ताकत दे सकते हैं वो दुनिया की किसी चीज़ से नहीं दे सकते हैं। तो मेरा सभी माओं से अनुरोध है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर जाइए, मिक्स फीडिंग को रिजेक्ट कीजिए। क्योंकि बच्चा अगर आप मिक्स फीडिंग पर रखेंगे, मिक्स फीडिंग का मतलब कि आप ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रही हैं और एक दो बॉटल भी आप पिला रही हैं, तो 3 से 4 महीने में आप मेरी बात को कहीं पर लिख के रख लीजिए कि आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ बॉटल पिएगा। क्योंकि बॉटल से दूध पीना बहुत आसान है, वो गटगट गटगट करके 10 मिनट में पूरी बॉटल ख़त्म कर लेता है। ब्रेस्ट फीडिंग से उसको पीने में उसको एफर्ट लगाना चाहते हैं लगता है, और दोस्तों मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। उसे भी जब आप एक ऑप्शन दे रहे हैं कि जिसमें आसानी से उसको दूध मिल सकता है, तो वो बॉटल फीडिंग की तरफ चला जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि भाई ब्रेस्ट फीड कितनी देर करानी चाहिए और क्यों करानी चाहिए। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने अक्सर माओ से पूछा कि आप ब्रेस्ट फीड कैसे कराती है, तो बोलते हैं कि साहब 10 मिनट हमने एक ब्रेस्ट से करा दिया और 10 मिनट फिर दूसरे ब्रेस्ट से करा दिया, और इस तरह से हमारा ब्रेस्ट फीडिंग का साइकिल ख़त्म हो जाता है। 20 मिनट तक मैं उसको ब्रेस्ट फीड करा के डकार दिला देती हूँ। तो 20 से 30 मिनट तक तो ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ, बट एक साइड से 10 मिनट कराना, इस बात से मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको यही सी आज बीत चुका जो मेरा टॉपिक है वो फोर मिल्क और हाइंड मिल्क के ऊपर है, वो यही है कि फोर मिल्क क्या होता है। जिन माओं ने भी ब्रेस्ट फीड कराया होगा उनको इस बात का बहुत अच्छा तजुर्बा होगा कि जब वो बच्चे को दूध पिलाना चालू करती हैं तो शुरुआत में बहुत पतला दूध आता है, बहुत पानी जैसा दूध आता है, इसको हम फोर मिल्क बोलते हैं। इसमें पानी की कंटेंट ज़्यादा होता है और इसमें कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं और इसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है। ये भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जब आप 10-15 मिनट तक ये बच्चे आपके ब्रेस्ट से सक करेगा, उसके बाद फिर गाढ़ा दूध आना चालू होता है। गाढ़ा दूध येलो कलर का होता है और थोड़ा क्रीमी टाइप का होता है, थिक होता है, उसके अंदर फैट ज़्यादा होता है और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं और वो थोड़ा सा मीठा भी होता है, तो उसको हम लोग हाइंड मिल्क बोलते हैं। तो अगर आपने शुरुआत के 10 मिनट बच्चे को एक ब्रेस्ट से पिलाया और उसके बाद आपने दूसरे बच्चे को दूसरे ब्रेस्ट से लगा दिया, तो इसका मतलब आपने 10 मिनट तक फोर मिल्क पिलाया और दूसरे ब्रेस्ट से आपने उसको 10 मिनट पिलाया, तो यानी कि उसने फिर फोर मिल्क पिया।
तो यानी कि 20 मिनट उसने दूध पिया तो आपकी छाती से, मगर उसने सिर्फ और सिर्फ पानी और प्रोटीन पिया है और उसको एक्चुअल कैलोरीज गई नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका बच्चा बहुत जल्दी फिर भूखा हो जाएगा, वो आधे घंटे में एक घंटे में फिर आपका बच्चा डिमांड करने लगेगा और वो फिर आप उसको फिट कराएंगी और यही आपका साइकिल चलता रहेगा। और इसी वजह से अक्सर मैंने जो मैंने अपना ग्रीन स्टूल्स वाला वीडियो बनाया था कि अगर बच्चा सिर्फ फोर मिल्क पी रहा है तो उसमें ट्रांजिट टाइम उसका कम हो जाता है और वो उसको ग्रीन पॉटी आनी शुरू हो जाती है। तो अब आप लोग समझ जाइए कि अगर आपको एक बार फीड कराना है तो आप एक ही छाती से एक बार में ब्रेस्ट फीड कराइए। आपका साइकिल 20 से 30 मिनट का होगा जिसमें आप सिर्फ एक ब्रेस्ट से फीड कराएंगी और नेक्स्ट टाइम फिर दूसरे ब्रेस्ट से कराइए। नेक्स्ट फीडिंग का टाइम यूजुअली 2 से 3 घंटे बाद हम लोग कहते हैं कि आपको नेक्स्ट ब्रेस्ट फीड का टाइम जो होगा 2 से 3 घंटे पर आप उसको फीड कराएंगी तो आप वो दूसरे ब्रेस्ट से कराएंगी। और उसमें भी साइकिल आपका यही रहेगा कि शुरुआत के 10-15 मिनट जब आपको बच्चा फोर मिल्क पिएगा, फिर उसके बाद हाइंड मिल्क पिएगा, 20 मिनट में 30 मिनट में आपके बच्चे का पेट भर जाएगा, फिर आप उसको कंधे से लगा के डकार दिलाइए और फिर उसको लिटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। मैंने बहुत लोगों से इस बारे में इंटरव्यू लिया है, लोगों को बिल्कुल इस बारे में क्लू नहीं है, अंदाज़ा नहीं है। और ज़्यादातर मदर जो हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग एक तो करा नहीं रही हैं और जो एक्सक्लूसिव करा भी रही हैं तो उनको बहुत प्रॉपर नॉलेज नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको मैं अपने ये फोर मिल्क और हैंड मिल्क का कंसेप्ट बहुत क्लियर करूं ताकि अब जो माएँ बहुत ही इंटेलिजेंट मदर्स हैं और उनको ब्रेस्ट फीड कराने की इच्छा है उनको भी सही तरीका पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को मेरा पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि जो अवेयरनेस है ये सब भी लोगों में पहुंच सके और सब लोगों को मेरे इस नॉलेजेबल वीडियोस का फ़ायदा हो सके। दोस्तों मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा चैनल बहुत अच्छा आप लोगों की वजह से चल रहा है और कई लोगों की व्यूअरशिप इसकी बढ़ गई है, तकरीबन मेरे सब्सक्राइबर भी 3000 से ऊपर हो चुके हैं। मैं ये सब आप लोगों का प्यार मोहब्बत की वजह से है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि मैं जितनी भी क्वेरीज मेरे पास आती हैं मैं सबका जवाब देता हूँ इंडिविजुअली। मैं हर पेज हर जो चाहे वो कहीं से भी आ रही किसी मुल्क से भी आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से मेरे पास क्वेरी आती हैं, मैं सबका जवाब देता हूँ। तो आपके पास जो भी क्वेरीज हैं आप अपने इनबॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज लिख सकते हैं और ये मेरा वादा है कि मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगली बार एक बार फिर आप सबसे निवेदन करते हुए कि प्लीज़ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक इसके ऊपर प्रमोट करें और इसको सभी लोगों के लिए सारी मदर्स को इसके लिए कन्विंस करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।